पढ़ेंगे पठार। पठार कहाँ है? मैदान के तो इधर है और इधर विंध्याचल, दोनों ही पहाड़ियों बीच में, तो ध्यान रखना। अगर आपसे कभी कोई दुर्ग के बारे में पूछ ले, ऐसा कौन सा दुर्ग जो अरावली में स्थित नहीं है, घुमार पूछ ले, तो ध्यान रखना लगभग तो अरावली के अंदर, लेकिन जो आपको इधर वाले क्षेत्र मिलेगा नक्शे में, समझ लेना जो यहाँ आड़ोती के पठार की तरफ है वो क्या है, पठार तो जितने भी हैं वो सब अरावली में नहीं आते हैं। तो जो भी उत्तर हो आपका हमेशा यहीं से होगा, ये विंध्याचल और उसके बीच का है मणियाली के, पर मिठान तो कोई बात कोई। देखो विद्यन का आपसे कई बार पूछते हैं विद्यनकार भूमि कहाँ है। देखो विद्यनकार भूमि कहाँ है, ये चंबा और बनास के बीच की जो भूमि है वो क्या कहलाती है, जहाँ चंबल और बनास होते उसे क्या कहते हैं, विंध्याचलगढ़ भूमि कहा जाता है। आड़ोती के पठार और दक्षिण पूर्व पठार भी कहा जाता है। अब ये उत्ते कहाँ है, बूंदी में है, कोटा में है, बारा में और झालावाड़ में, इन चार जगहों पर है, ठीक है। तो जब भी कोई दुर्ग का नाम आएगा ध्यान रहे, तो बारा का कोटा का इनमें देख लो कोई एक दुर्ग आएगा। मैंने तो आपसे गागड़न वाला ऑप्शन मिले, क्योंकि गागड़न दुर्ग झालावाड़ में है, ठीक है। और यहाँ शाबाद की पहाड़ी है या मुकंदवाड़ा की पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा इसाबाद की पहाड़ी, बारह का दुर्ग बना हुआ है और ये मुकुंदवाड़ी पहाड़ी यहाँ कौन सा है, गागरोन। तो देखो अब महत्वपूर्ण जो कुछ है पठार उनका जिक्र कर लेते हैं। पहले पठार का नाम है उड़िया पठार। उड़िया मतलब उड़ करके ऊपर गया, और हमेशा जो उड़ करके ऊपर जाएगा वो सबसे ऊंचा होगा। तो सबसे ऊंचा पठार कौन है भारत का, यही है उड़िया पठार, 1360 मीटर है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा पठार है, पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, ये तो ऊंचो है। सबसे फैला हुआ पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है, ठीक। भारत का सबसे बड़ा उड़िया है, 1360 है। दूसरा देखिए आबू का पठार, ये 1200 मीटर ऊंचा है और दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इसके अंदर एक शहर बसा हुआ है आबू शहर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा शहर है आबू शहर, ठीक। वो सबसे ऊंचा क्या है, पठार है, और इसके ऊपर शहर बसा हुआ है आबू, वो भारत का सबसे ऊंचा क्या है, शहर। तीसरा आता है बोराट का पठार, मैं दूसरे ये तीसरे में, बोराट का पठार भारत का तीसरा सबसे बड़ा पठार है, ठीक। और ये कैसे याद रखोगे, इसमें चुप जाओ भाई, बोराट कहाँ है, बोराट चक्कर बोरा जाओगे आप लोग। तो ऐसे ध्यान रखना, जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म हुआ था कहाँ पर, कुंभलगढ़ में, ठीक। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ, गोविंदा में। तो सीधा याद रख लेना महाराणा प्रताप के जन्म और महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के बीच का क्षेत्र कौन सा है, बोराट का पठार, या बीच में जो बोराट का पठार है ऐसे, नहीं तो कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच का क्षेत्र क्या है, बोराट का पठार है। अगला देखिएगा मेसा का पठार, मेसा के जैसा कोई नहीं है, कुछ मेसा के जैसा कोई नहीं है। तो मेसा का जो पठार है इस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है और ये 620 मीटर ऊंचा है। अकबर ने जीतते टाइम कही थी कि यार बहुत ऊंचा उदय सिंह के समय, तो इसके बराबर है टीला बना लो। तो इनके जो साथी थे सेनापति ने पता कि महाराज की शहनशाह जी बावड़ होगा, कहते मुझे टीला बनो वो कर सके, तो अब बताते अकबर ने बढ़ा दिया था। लेकिन अकबर के बहुत सारे उसमें मिस्त्री मारे गए थे जो काम कर रहे थे। अगर देखिए लसाड़िया का पठार, ये कहाँ है, ये राजसंबंध में, राजसंबंध झील के एक किनारे है। और अगला अपना आता है माल, माल ज्योग्राफी के अंदर खूब ऊंची, ऊपर माल, माल कहते फाड़ी पे झुंझुनू के अंदर है, ऊपर माल, ऊपर माल मतलब माल जो है ऊपर से, आप छत के नीचे और माल ऊपर, ऊपर छत पे माल आप नीचे हो, इसलिए ये ऊपर माल। तो ऊपर माल कहाँ है, बीबी के जो ऊपर माल है, कोई की बीबी है जो माल है वह ऊपर है। तो बीबी से ध्यान रखना, बिजोलिया टू भैंस रोडगढ़, मतलब बिजोलिया और भैंस रोडगढ़, बी और बी, बी बी बिजोलिया और भैंस रोडगढ़ के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या है, ऊपर माल है, मतलब जो माल है वो ऊपर है और वो बीबी है, बस इतने ध्यान रख लीजिए, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्रॉस का, जो कि कहाँ है, क्रॉस का पठार अपने अलवर के अंदर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पठार की ओर। आड़ोती के पठार को हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया है। अब कैसे बांट लिया है, दक्षिण पूर्व का पठार है और एक मालवा वाला भाग है, तो ऐसे करके इसे दो भागों में बांटा गया है। इस दक्षिण पूर्व पठार आड़ोती पठार कहा जाता है, क्यों, क्योंकि अरावली और विंध्याचल को क्या करता है, जोड़ने का काम
करता है। और यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, सर्वाधिक नदियाँ यहीं पर है, किसमें? दक्षिणी पूर्व के पठार में। आड़ोती का पठार जो है ये पूछने किसका अंग है, तो ये माल का अंग है, मालवा का अंग है। यहाँ अस्पष्ट व आधार प्रवाह है, मतलब खाड़ा पड़ा चित्री पितरी जमीन पड़ी हुई है, तो अस्पष्ट आधार प्रवाह है। दूसरा देखिए, आड़ोती का पठार, ये विंध्याचल कगार भूमि जो है वो क्या है, ये विंध्याचल कगार भूमि इसको दो भागों में बांटती है, ठीक, मालवा के पठार में और आड़ोती के पठार में। तो विंध्याचल कगार भूमि बनाव से चंबल के बीच में है, ये बूंदी करौली सवाई माधोपुर धौलपुर, ये चार इसमें क्या आते हैं, जिले आते हैं, 350 से 550 तक ये हैं। और जो मुकुंदर की पहाड़ियाँ हैं झालावाड़ के अंदर, जिन्हें कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहा जाता है। आज अपने भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो गए, कल से पढ़ेंगे हम लोग मिट्टियाँ, ठीक है, धन्यवाद।